सभी को हेलो नमस्ते एंड वेलकम। यार आ गया हूँ, रामगढ़ से भी जस्ट लौटे हैं। भैया भी फोन कर रहे थे कि आ जाओ शोरूम में है, कलर थोड़ा सा हमको कंपेयर करवाना था। हुआ क्या था कि एक्सीडेंट हुआ था भाई क्या था बहुत पहले ही, और उसी टाइम में कलर फिर बॉडी करवाए थे इसका। ये फुल बॉडी पेंट हुई थी अल्ट्रॉज का मेरा, तो कलर अभी देख रहे कि कुछ ही समय हुआ और पेंट होने के बाद भी खराब हो गया, मीन्स कि कलर पूरा फेड होने शुरू हो गया। पीछे और मेरा ही एक भैया का ही अल्ट्रॉज लगा हुआ है, गोल्ड कलर में ही वो भी है। तो उससे सोचे थे कि भैया बोले थे कि आ गए शोरूम, तो आ जाएगा तो आ जाओ और दिखवा लेना, कंपेयर करवाना था हमको। तो हम सोचे वही बहाने कंपेयर भी करवा देंगे कि कलर देखिए कैसे फेड कर गया पूरा। तो आए हुए हैं वो यहाँ पे, रामगढ़ जान नहीं रहे, कुजू एरिया है, पूरा कोलफील्ड एरिया है, गाड़ी तो पूरा गंदी हो रही है। वही इसी बहाने धूल भी जाएगा और साफ होने के बाद में जो यहाँ के सर्विस मैनेजर है वो कंपेयर भी कर लेंगे कि कलर कितने फेड कर गया क्या हुआ है। वैसे जेन्युइन दिखने से ही लग रहा था, तो फिर भी वो बोले कि एक बार वॉश करवा लेते हैं, वॉश करने के बाद देखते हैं। और एक था क्या कि आए तो सडनली हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि साइड बिट जो गेट पे आता है, बाइंडिंग कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं, ब्लैक वाला बीट जो आता है वो बीट को हम लोग लगवाएंगे। मीन्स कि मन था हम लोग को बहुत पहले से एक दो कलर का, मतलब सेम कलर का गाड़ी जब भी अल्ट्रॉज देखते थे उसमें ब्लैक बीट लगा हुआ था, तो हम लोग को अभी मन में था कि ब्लैक वाला बीट हम लोग लगवाएंगे। अब जिसके चलते क्या था कि बहुत दिन से इच्छा कर रहा था, तो हम लोग का एक दोस्त का ही ये कार एक्सेसरीज का शोरूम है, मीन्स की बगल में ही, तो हम लोग ऑर्डर दे रखे थे कि मंगवा दीजिएगा। तो हम लोग दोनों का आ गया है, हम लोग जाएंगे यहाँ से, वॉशिंग वॉशिंग होता है, देन कंपेयर करवाते हैं, फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इसे अंदर में है अल्ट्रॉज, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ से, सामने जाएंगे तो वहाँ दिखा देंगे। एंड इवन अभी कंपेरिजन होगा तो भी मैं दिखाता हूँ। और मैं बैक वाला बुलगार्ड लगवाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि भैया लगवा रखे हैं जो एक और अल्ट्रॉज है उसमें, और हमको अच्छा लग रहा था। तो पहले तो सोचे थे कि जो एज इट इज है, जो कंपनी हम लोग को देता है उसी के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, कोई फेर बदल नहीं करेंगे। बट अब मन कर गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा था उनमें जब लगा हुआ देखे तो, हमको भी मन में आ गया कि नहीं यार हम भी लगवा ही लेते हैं। वैसे गाड़ी का स्थिति बहुत ज़्यादा गंदा है, कलर भी एक्चुअली फेड कर गया है, कभी हम कंपेयर भी किए थे। और हम लोग एक बार और ऐसे ही क्या हुआ था कि वॉशिंग करवा के हम लोग निकले हुए थे, तो जब सामने एक बार गाड़ी रखे थे जिसमें बीट का ऑर्डर दिए हुए थे हम, तो उस टाइम जब कंपेयर कर रहे थे तो मतलब होश ही उड़ गए थे कि हाँ यार कलर एक्चुअली में फेड कर गया था। एक शाइनी जो ग्लॉसी फिनिश था अल्ट्रॉज का गोल्ड वाले कलर का, वो एकदम कंप्लीट हट गया था। जैसे देखिए वहाँ पीछे में लगा हुआ वो है और मेरा वाला अल्ट्रॉज ये है। और सर्विस में ही है तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या मेरा जो फेवरेट कलर था अल्ट्रॉज का मिड टाउन ग्रे, इवन सारा को भी पसंद था और बाकी घर वाले को भी। बट हुआ क्या था ना कि मेंटेनेंस के चक्कर में मैं कलर बहुत ज्यादा इग्नोर किए थे, या साउंड भी थोड़ा सा उसके लिए सॉरी रहेगा, बट बहुत ज्यादा हम लोग पसंद था एक्चुअली ग्रे कलर का। ये कहा है पीछे में देखिए वो वाले मिड टाउन ग्रे, एक्चुअली ज्यादा प्यारा लगता है अल्ट्रॉज में। एक वो भी है और एक ये भी है मेरा, मीन्स कि मेरा कहते हैं ये कस्टमर का ही लगा हुआ है, तो दोनों अच्छा लग रहा था, दो ग्रे कलर में और दो गोल्ड कलर में। कंपेरिजन में देखा जाए तो सही में अल्ट्रॉज का मिड टाउन ग्रे ज्यादा बेटर लगता है, बट मेंटेनेंस में थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसका कलर मेंटेन करना भारी पड़ जाता है यार। ब्लैक कलर क्या होता है कि डस्ट को बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है, इसके चलते क्या है कि मेंटेनिंग में परेशानी होता है। मेरा आदत है कि उतना ज्यादा कार वॉश करते नहीं, घर में तो ऐसा है नहीं कि ड्राइवर है या फिर कोई कुछ है कि धो के ही गाड़ी हम लोग निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो हम इसीलिए गोल्ड को प्रीफर किए थे। भैया भी आए हुए थे शोरूम में, बोले थे कि आ जाओ कार लेके मैं आया हूँ तो देख भी सकते हैं, हम लोग मिला भी देंगे कलर। तो सर जो सर्विस मैनेजर है उनसे बात हो रखी है, वो भी गया है, फटाक से हम लोग ऐसे दिखाते हैं इनको और वॉश पहले वॉश करवाते हैं, वॉश होने के बाद में गाड़ी को कंपेयर करवा देंगे कलर का, इनको भी समझ में आ जाएगा कि कितना डिफर कर गया क्या नहीं कर गया, और उसके बाद क्या करना है वो भी ये बता देंगे हम लोग। साफ करवाएंगे फिर निकलेंगे वहाँ पे बीट वाले जगह पे। ऐसे भी यहाँ पे शोरूम में आवाज़ ज़्यादा है, जनरेटर चल रहा है इसकी वजह से, निकलेंगे वहाँ पे और साइड वाले बीट लगवाएंगे। बीट देखिए हमको बीट वो लगवाना था जो उसका गेट में लगा हुआ है ना, देखिए ग्रे कलर में तो पता नहीं चल रहा है हमको, मीन्स कि आप लोग भी देख सकते हैं उतना नहीं पता चल रहा, बट गोल्ड कलर में ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है। मैं जिस बुलगार्ड का बारे में बात कर रहा था ना, वो देखिए वो बुलगार्ड जो अल्ट्रॉज में वहां लगा हुआ है और इसमें जो लगे हुए हैं, बट मुझे प्लेन वाले ही थोड़ा सस्ता में ही लगवाना है, ज्यादा हाई फाई नहीं, क्योंकि अगर अदर स्टेट जाते हैं तो वहां का नियम कानून अलग है, यहाँ पे तो चलिए थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, बट अदर स्टेट में कहीं रेस्ट्रिक्शन होगा तो बेवजह फाइन लग जाएंगे। और कभी देख ही रहे कि लास्ट टाइम उड़ीसा भी गए थे अल्ट्रॉज से ही, हम कभी भी मन करता तो कहीं अगर जा सकते हैं तो फिर खुलने का झमेला हो जाएगा। नहीं कार का मेरे पास है, वही निकलवा रहे हैं सब, लाइन लग गया है पूरा गाड़ी का।
और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। नहीं होता तो अगर बाहर में ही कंपेयर हो जाता तो ऐसे ही कंपेयर करवा लिया जाएगा गाड़ी को। हुआ तो नहीं क्योंकि लंच में उन लोग चला गया है एंड भैया ऐसा गाड़ी निकाल दे रहे हैं वो मेरे वाले और हम लोग निकल रहे हैं। मीन्स की उनका गाड़ी बाहर में वहाँ पे लगा हुआ है वही हम लेके अब निकल रहे हैं। और मैंने साहब जो वहाँ गेट के पास में है हैरियर का वही है, बताएं कि नहीं होता तो एक बार कल आप मॉर्निंग में लेके आ जाइए। मॉर्निंग में क्या है कि 3M का पेंट एक बार इन लोग ये पॉलिश करके देखेंगे, अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छा है, अदरवाइज फिर नहीं होगा तो रांची जाएगा क्लेम में पेंट का, क्योंकि पेंट यहीं पे हुआ है शोरूम में। शोरूम में होने के बाद अगर इस तरह का परेशानी आता है तो बोले कि कोई बात नहीं है इसको रिजॉल्व हम लोग कर लेंगे। और तो इसी वजह से क्या हुआ कि आज मैं अपने वाले कार में बिट नहीं लगवा रहा हूँ और ना तो बुलगार्ड, भैया ही लगवाएंगे सिर्फ अपने गाड़ी में क्योंकि उनका वॉश वूश तो हो रखा है इनका गाड़ी पूरा। चलते हैं वहाँ पे, तब तक गेट पास ही सब देते हैं, निकलते हैं और वहाँ पे इनका लगवाते हैं ये साइड वाले बिट, फिर ऑब्जर्व करते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके बाद ही मैं अपने वाले में फिर से लगाऊंगा। वैसे मन है, मन तो है ही हम लोग का कि लगाएंगे ही तो लगवा भी लेंगे एंड मगर टेंशन इस बात का कि अगर वो रांची भेजता और फिर से गाड़ी पेंट होता है फुल बॉडी तो फिर बिट खराब हो जाएगा। पहुंच गए हैं वही शॉप के पास, बगल में ही है शोरूम से और भैया भी आ ही रहे हैं, पीछे पीछे वो भी आ ही रहे हैं, बस गाड़ी लगाए हैं, वो उधर पार्क कर रहे हैं मैं इधर लगा दिया हूँ। बगल में ही था, ज़्यादा दूरी पे है नहीं, 50 मीटर पे ही है, बगल बगल में शोरूम के बगल में। वैसे भी सब एक्सेसरीज वाले लगाते ही अपने शॉप, तो वहीं पे है यही कार लब जो बीट के लिए हमने था लगवाना वो लगना शुरू हो गया इनकम में। देखिए उधर स्टार्ट है और ऊपर छत पे रख दिया है बीट को, धूप में खड़ा रखें क्योंकि बोलता है इन लोग की बीट थोड़ा सा ये बॉडी थोड़ा हीट होता है तो चिपकने में थोड़ा ईजी होता है। और सेकेंडली और क्या कि उसके बाद अगर चिपकाने के बाद में इसको धूप में ही रखिए, ठंड का प्लेस पे नहीं, क्योंकि जो गोंद होता है वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो पाते हैं और चिपक नहीं पाता है, वरना फिर क्या होता कि फ्रीज कर जाते हैं या फिर क्या बोले सूख जाता है गोंद अगर ठंड में रहता है तो। लगना शुरू हो गया है, हाँ थोड़ा देख लीजिए साइड फ्रेम कैसा है क्या नहीं है वो देख लीजिए, दूर से देखिए ना एंगल से तब पता चलेगा। हल्का डाउन ही से हटिएगा ऐसे में ना, हाँ वही देख के लगना शुरू हो गया है। खा रहे हैं चिक्की क्योंकि ठंड में सबसे बेस्ट होता है, और अभी जस्ट कुछ जूस आए हैं और कुछ खाए भी नहीं थे तो पहले यही जा ही रहा है मुंह में बस पीनट टिक्की। लगना शुरू कर गया है सर्विस वाले में और इसमें, हाँ वो सुंदर था लेकिन पैसा ज्यादा लग रहा है। एक्चुअली सर्विस ये जो टाटा का सर्विस में जो एक्सेसरीज वाले हैं उस डिपार्टमेंट में क्या है कि जो टाटा का जो इसका बीट दिया हुआ है जो गेट वाले जो लगवा रहे हैं हम लोग, अब उसमें क्या है कि उसमें टाटा का लोगो बना हुआ है जो टाटा का जेन्युइन प्रोडक्ट भी है वो, और क्वालिटी में चेंजेस है, डिफरेंस है क्वालिटी वाइज में, हाँ बट प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है, इसे जस्ट डबल है ऑलमोस्ट। चेक कर ले रहे हैं हम लोग क्योंकि बीट लगने के बाद में कहीं गेट खोले और फिर लगाने में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जान ही रहे कि इसका 90 डिग्री देता है एंगल पूरा खुलने का गेट का, और ये वाले साइज का देख रहे हैं कि पूरा फुल है यहाँ तक। इसके बाद आगे लगाने में परेशानी इसलिए है कि ये गेट जो है गेट इसका पूरा खोलने पे हो सके अंदर घुसने पे इसको परेशान कर या फिर लगने में दिक्कत होने लग जाए, तो वही हम लोग चेक कर ले रहे हैं पहले, और चेक करने के बाद ही हम लोग लगा रहे हैं। लाइन वाइन हम लोग देख ले रहे हैं सब प्रॉपरली एंड एक साइड का बिट हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग गाड़ी मीन्स की धूप वाले साइड में फिर उधर जो वो पोर्शन है उसको इधर कर ले रहे हैं ताकि उधर भी थोड़ा सा बॉडी हीट कर जाएगा, देन उसके बाद चिपकाने में ईजी होगा। अब इस वाले साइड का बचा हुआ है चिपकाना, बस धूप वाले साइड में इसको कर देने जा रहे हैं, रिवर्स होके इधर लगवा दिए हैं गाड़ी को, अब लगाने जा रहे हैं हम लोग उस साइड वाले। फाइनली पूरा गाड़ी कंप्लीट हो गया है, मीन्स की ये शोरूम से वॉशिंग वोशिंग भी होके आ गया इसका, एंड जो बुल गार्ड के बारे में बोले थे बुल गार्ड इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था, और जो साइड वाले बिट बोल रहे थे वो साइड वाले बिट भी इसमें कंप्लीट हो गया है दोनों साइड से, इधर से भी और उस वाले साइड से भी दोनों साइड से कंप्लीट हो गया। मेरी वाली कार है, मेरा गाड़ी वहाँ पे खड़ा है देख सकते हैं। अब निकलते हैं घर क्योंकि कुजू से भी जस्ट आए थे और रास्ते में सीधे जब भैया का इनका फोन आया था तो जान ही रहे कि हम शोरूम यहीं आ गए थे, और अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं क्योंकि कुछ खाए भी नहीं है, बस वही चिक्की जो खाए हैं। घर जाते हैं नहाते वहाते थोड़ा फ्रेश होते हैं फिर शाम को निकलते हैं, ठीक है? तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।